बाप के छत्र छाया में रहो। अगर बच्चा माँ के साथ रहता है तो उसको कोई चिंता नहीं, माँ देखती है कांटा नहीं लगना चाहिए, पत्थर नहीं लगना चाहिए, माँ बच्चों का ध्यान रखती है। यहां भगवान माँ बार बार बच्चों का ध्यान रखेंगे, तो आप उनके साथ बाबा से बात करते रहो, बाबा आप कहते हो ऐसे करो ये ऐसे कैसे होगा, बाबा आप कहते हो योग करो, योग लगाने बैठते नींद आ जाती, योगी ने लगता नहीं, आप रोज कहते हो योग करो, मुझे याद करो, कैसे करो, क्या करो, बाबा से बात करते रहो, तो आप किसके साथ हो ना। आपने कहानी सुनी होगी, सवेरे मुरली क्लास में नहीं थे, सवेरे सुनाया था, एक माता रोज 4 बजे सेंटर में जाती थी और उस समय उस एरिया में कर्फ्यू लगा था, पुलिस ने कोई जा नहीं सकते थे। वो माता है, माता जी सवेरे जा नहीं सकते, कर्फ्यू लगा है, नहीं मुझे भगवान को याद करने के आश्रम में जाना है, आप मुझे रोक नहीं सकते हो, मेरे साथ भगवान है। तो कहा माता जी आज नहीं जा सकते आप वापस, नहीं मैं अकेले, मेरे साथ भगवान है, आप मुझे रोक नहीं सकते। तो आई एक रिक्शा वाला आया, रिक्शा के अंदर बैठ गई, मैं जाऊंगी 4 बजे सवेरे सवेरे, बैठ गई। माता जी कहां जाना है, मुझे उस आश्रम उधर जाना आश्रम नहीं। तो देखा दो मिनट के बाद रिक्शा वाले ने पीछे मुड़ के देखा, अरे इनके साथ एक बूढ़ा भी बैठा है, ये अकेली बैठी थी अंदर, ये बूढ़ा कब आके बैठ गया। तो वो क्या करते थे, बाबा मुझे आप जल्दी लेके जाना, आप जाना नहीं, मुझे आपसे मिलना है, मुरली सुननी है आपकी, मेरे मुझे ठहरना, जल्दी देरी हो जाएंगे, ये देरी कर रहा है, धीरे धीरे रिक्शा चलाता है, आप इसको सब बुद्ध को पापा से बात करती रहती है। आप बाबा जिसके साथ बात करती है तो देखने वाला पर है कि अकेली बैठी इनके साथ बूढ़ा कैसा है। तो बाप जिसके साथ बात करते हो, बाप भी बच्चों का साथ देता है। उनको डर थी कल पुलिस दूसरा कोई आके मुझे उतारे, उसने कहा पुलिस ने आप अंदर जाएंगे, आगे जाके आपको उतारेगा, वो जाना नहीं देगा। तो कहते बाबा आप मेरे साथ बैठना, मुझे कोई हाथ नहीं लग रहा है, मेरे मुझे उतारे नहीं, मुझे आपके सवेरे योग में जाना ही है। तो बाबा बच्चों का साथ देता है, कैसे, इसको कहते छत्र छाया, बाप को अपने साथ रखो, बात करते रहो, किसके साथ बात कर रहे हो, हाँ बाप जिससे साथ बात करते हो वह आपके साथ। घर से इधर आते हो कभी माता ये कहती है भाई जी बहुत बंधन है, हाँ बंधन है, आप कभी दादी का अनुभव सुनना कितना बंधन था, कैसे बाबा मदद करता है, बाबा सब बंधन से छुड़ा देता है, तब का भगवान सब बंधनों से मुक्त करता है। तो इसलिए लेकिन उससे बात करते रहो, बाबा आप के तो मेरे पास आओ, देखो ये पति छोड़ता नहीं, ये बच्चे छोड़ते नहीं, ये ऐसे करते हैं, आप बुलाते हो, आप कहते हो ऐसे करो, ये लोग देखो ऐसे कहते हैं, सेंटर में जाना नहीं देते हैं, आप बुलाते हो, आप ऊपर बैठे हो, ऐसे बात करते हो, बाबा आपको उठा के ले जाएगा सुना। तो भगवान की उसको कहते हैं लगन, लगन में मगन रहो। तो भगवान बंधा हुआ है लेकिन वो हमारे अंदर लगन नहीं आते, नहीं ये बंधन डालते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा, हाँ वो सब करेंगे, है ना। देखो कृष्ण को जेल, उसको कृष्ण के मां बाप को जेल में रखा, ताले बंद कर दिया, कितने ताले बंद कर दिया, है ना, तो सब ताले खुल गए, वो सब सो गए पहले वाले भी। तो भगवान अगर आता है सब बंधनों को, सबको तोड़ के आपको ले जाएगा, लेकिन आप उनके साथ जुड़े रहोगे, कैसे, मन से बात करते रहो, उससे बात करते रहो, बाबा आप कहते बुलाते हो, आप मुरली सुनो कहते हैं, घर वाले मुरली सुनने देते नहीं है, सेंटर में जाना देते नहीं, आप बुलाते हो सेंटर में आओ, आप कहते हो पवित्र हो और ये लोग देखो पवित्र रहना नहीं देते नहीं, क्या करूं मैं, बाबा से बात करते रहो। तो भगवान अगर आया है वो आपका बंधन मिटाएगा, ले जाएगा। आप एक एक का अनुभव सुनो, जानकी दादी का अनुभव सुनो, निर्मल सत्ता दादी के बाबा की लड़की का अनुभव सुनो, दादी का अनुभव को भी पूछना कैसे बाबा निकाल के ले आता है ना। तो बाबा सब भगवान आया है लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं देखता है, बच्चों के रग कहीं लगे हुए कि नहीं, मेरा पति मेरे बच्चे मेरा घर देखता है, अगर नष्ट हुआ है उठा के ले जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा अरे बाबा ने कैसे कमाल किया। तो ये भगवान की गायन है, भक्ति नहीं,
भगवान असंभव को भी संभव कर सकता है, जो संभव ही नहीं है। तो इतनी ताकत है, लेकिन बच्चों की रग देखता है। बच्चों की रग तो नहीं, इच्छा तो नहीं, कलयुग दुनिया की थोड़ी इच्छा है। तो देखो, दो नाव पर पाव नहीं रख सकते ना, ये भी चाहिए ये भी चाहिए नहीं, एक बल एक भरोसा, एक के बल पर चलते हो तो वो जरूर लेता है कि नहीं लेता है? बताओ माता जी, बताओ, हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है? हाँ, जहां लगन है वहां कोई बंधन नहीं रहता है, और वो परीक्षा लेगा, परीक्षा लेकर के ले जाएगा।